तुम एक भगत बड़े प्रेम से मेरे लिए कुछ बना के लाया था। मैं बड़े प्रेम से वो तुम्हारे लिए लेके आ गया। क्या है? मेरी अपनी पसंद खीर। खीर? नहीं नहीं, ये बना है मेरे लिए। क्यों? मीठा बंद शक्कर की बीमारी है। डायबिटीज? फिर तो चाय और कॉफी भी शक्कर के बिना पीते होगे। चाय और कॉफी पीना ही मना है। क्यों? अंतड़ियां जरा खराब हो गई हैं। तो क्या हुआ? पुलाव, बिरयानी, समोसे, कचौड़ियां? नहीं नहीं, बस बस, वो सब भी मना है। ये कमबख्त ब्लड प्रेशर भी तो जान पे सवार है। फिर खाते क्या हो? दलिया बिना शक्कर के, खिचड़ी बिना नमक के और भाजी बिना घी के। फीका खाना आदमी कितना खा सकता है? फिर बाकी पेट ठंडे पानी से भरते हो क्या? ठंडा पानी पीना भी मना है। क्यों? इसिनोफीलिया। ओह, अब तुम खड़े क्यों? आराम से बैठो ना। नहीं भाई, तुम बड़े आदमी हो, पहले तुम बैठो। यहाँ बैठना कौन सा आसान है, अंगारों पे बैठना पड़ता है। क्यों? हिंदी में बताना बुरा लगता है, इसलिए अंग्रेजी में कहता हूँ, पाइल्स। हाँ हाँ हाँ, बवासीर अच्छा शब्द नहीं। हाँ। क्या हुआ? वो मारा गया गरीब। कौन कहता है मैं गरीब? मैं कहता हूँ, दौलत के हिसाब से तुम अमीर सही, जहाँ तक स्वास्थ्य का संबंध है बहुत गरीब हो तुम। पिछले पापों का परिणाम? कौन से पाप? मैंने कोई पाप नहीं किए। ये सब क्या है? ये मौत को परे करने का सामान है, मेरी दवाइयां हैं। इतनी बहुत सी दवाइयां? बीमारियां भी तो कम नहीं है। ये क्या है, छोटी छोटी सुंदर शीशियां? ये देखो, वो है टेरामाइसिन, एक्रोमाइसिन, लैडामाइसिन, गैरामाइसिन और ये है। तुम बहुत तेज बोलते हो भाई, मैं संकट में पड़ गया हूँ। जरा आहिस्ता से बताओ मेरे भाई, नाम तो याद रहने चाहिए। हाँ, वो तो याद रहने चाहिए, कभी तुम्हें भी जरूरत पड़ सकती है। ये देखो, ये है टेरामाइसिन। टेरामाइसिन वो? और ये है एक्रोमाइसिन। एक्रोमाइसिन? और ये है लैडामाइसिन। लैडामाइसिन? और ये है गैरामाइसिन। गैरा? भाई माइसिन। हाँ, समझ गया। क्या समझ गया? माई का अर्थ जानते हो? मेरा। इनका मतलब पाप। और माइसिन का? मेरा पाप। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम ये सारी चालाकी इसलिए कर रहे थे कि मैं अपनी जबान से मान जाऊं ये बीमारियां नहीं मेरे पाप हैं, है? चालाकी की जरूरत क्या है, तुम स्वयं कई बार कह चुके हो माइसिन माइसिन माइसिन। माइसिन अंग्रेजी लफ्ज है। देखो आनंद, पाप ना हिंदुस्तानी होता है ना अंग्रेजी, वो केवल पाप होता है। अब तुम्हें मालूम हुआ तुमने यहाँ पहुंचने के लिए क्या खोया? दौलत आ गई परंतु सेहत चली गई। याद करो, जब तुम इस महल में नहीं पुराने छोटे से मकान में रहते थे तब कितने खुश थे तुम। आराम तो बहुत है इस घर में परंतु खुशी किसको नहीं रहती है।